हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट और मैं हूँ सोनिया शर्मा। आशा करती हूँ कि आप घर में सेफ और हेल्दी होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी ऐसी है जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी। तो आज की हमारी रेसिपी है व्हाइट सॉस पास्ता। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसे कि आपको पता ही है, पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को बॉईल करेंगे, जिसके लिए एक बड़े बर्तन में मैंने 1 लीटर पानी को बॉईल कर लिया है। जब पानी बॉईल हो जाए तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम इसलिए डालेंगे क्योंकि पास्ते का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, तो इसको नमकीन बनाने के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। और साथ ही डाल देंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि तेल ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर हमने तेल ज़्यादा डाल दिया तो सॉस और पास्ता आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। और अब इसमें डाल देंगे पास्ता। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 250 ग्राम व्हीट पास्ता। इस पास्ते की शेप को फ्यूजिले पास्ता कहा जाता है, और जबकि हम इसे आम बोलचाल में मरोड़ी पास्ता भी कहते हैं। वैसे तो बाजार में कई तरह के पास्ते की शेप आती है, जैसे पेने पास्ता, जिसको पाइप पास्ता भी कहा जाता है। तो आप अपनी पसंद से कोई भी शेप ले सकते हैं। अब पास्ता को डालने के बाद इसको बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। पास्ता को बॉईल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमें पास्ता को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसको सिर्फ 70-80% तक ही पकाना है, और बाकी का बचा हुआ पास्ता हम सॉस के साथ पकाएंगे। पास्ता को बनाते समय कुछ लोग गलती कर देते हैं कि वो पास्ता को ओवरकुक कर देते हैं, तो हमें इसे ओवरकुक नहीं करना है। पास्ता पक गया है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम इसको बीच में से काट कर देखेंगे। अगर ये आसानी से कट रहा है और हाथ पर चिपक भी नहीं रहा, तो समझिए हमारा पास्ता तैयार है। तो बस अब इसको बॉइलिंग वाटर से निकाल लें। गरम पानी से निकालने के बाद हम इसको ठंडे पानी से धो लेंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए और ये आपस में चिपके भी नहीं। अगर आपको पास्ता थोड़ी देर बाद बनाना है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ढक कर रख दें, ताकि ये आपस में चिपके ना, और जब आपका दिल चाहे आप इसे बना लें। वैसे तो आप पास्ता किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, बट मैं आज इसको बना रही हूँ ऑलिव ऑयल में। अब किसी पैन में 2 से 3 चम्मच तक ऑलिव ऑयल ले लेंगे। आप चाहें तो इसको बटर के साथ भी बना सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा तेल डाल दे बटर के साथ। ऑयल डालने के बाद हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसको बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे। गार्लिक को ज़्यादा ब्राउन ना करें, इसको बिल्कुल थोड़ा सा ही पकाना है। और इसके बाद डाल देंगे हम एक प्याज, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। प्याज को सिर्फ आप हल्का सा ही फ्राई करें, हमें इसे ज्यादा भी नहीं पकाना। प्याज को हल्का सा फ्राई होते ही इसमें हम डाल देंगे वेजीज। वैसे तो पास्ता में वेजिटेबल की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, हैलापिनो और बेबी कॉर्न।
मैंने ली है गाजर, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर इसमें डाल दिया है। अब इनको भी हमें हल्का सा ही पकाना है, हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। वेजिटेबल में उनकी हल्की सी क्रंचीनेस रहनी चाहिए। और बस इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे मसाले, आधा चम्मच नमक या अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब को मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे मेयोनीज, लगभग 1 बड़ी कटोरी या फिर 150 ग्राम के आसपास। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्रीमीनेस चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। अगर आपको चीज़ पसंद है तो इस टाइम पर आप इसमें चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं, लगभग 2 स्लाइस। मेयोनीज डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। मैं यहाँ पर वही पानी यूज कर रही हूँ जिसमें हमने पास्ता को उबाला था, क्योंकि इस पानी में पास्ता का स्टार्च है और वही स्टार्च पास्ता को एक अच्छा सा टेक्सचर देगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लें। और अगर आपको होममेड मेयोनीज की रेसिपी चाहिए तो मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने मेयोनीज को एक बार घर में बना लिया तो आप बाहर की मेयोनीज को भूल जाएंगे। जैसे ही इसमें थोड़ा सा बॉईल आए, इसमें हम डाल देंगे थोड़े से ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स। वैसे तो ये ऑप्शनल है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको जरूर डालें, क्योंकि ये पास्ता को एक अच्छा सा टेस्ट देगा। और जैसे ही ये मिक्स हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे बॉइल्ड पास्ता और इसको भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सॉस पास्ता में अच्छे से लग जाए। दोस्तों, सॉस का पास्ता के कोने कोने तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप पास्ता खाते हैं तो उसमें टेस्ट सॉस का ही आता है। और बस अब इसको सर्व करने के लिए किसी बाउल में निकाल लें और ऊपर से डाल दें थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। तो चलिए, मैं तो जा रही हूँ खाने और आप भी चलिए बनाने। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर में ट्राई जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि व्हाइट सॉस पास्ता कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।